मेरी सेटिंग हुई है, और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं, मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं, इस खुलासे के बाद मेरे यहां पर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर इस समय में नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए एक नया टेंडर निकला है। गवर्नमेंट की तरफ से क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारी रखने होते हैं, लेकिन जो भी टेंडर लेते हैं वो पुराने कर्मचारी ना रख के नए कर्मचारियों को रखते हैं, या प्राणों को जिनको भी रखते हैं तो उनसे उस सेवज के अंदर 30-30, 40-40 हजार रुपये वो रिश्वत के तौर पे लेते हैं। ये जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, मरीज आदमी जाता है, उनसे जो इस प्रकार के कर्मचारी होते हैं वो पैसा उग्राही का काम करते हैं, कहीं पर दवाई के नाम पर, कहीं पर पर्ची के नाम पर, कहीं पर टेस्ट के नाम पर वो पैसे लेने का ये काम करते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक शिकायत पहले भी दी थी, 5/1/2022 को जो हमारे MS साहब को लिखी थी। एक शिकायत मैंने फिर थाना प्रभारी को, DCP साहब को वो भी लिखी कि सुरक्षा कर्मियों के नाम पर जो ये भर्ती चल रही है इनसे ये पैसे ले रहे हैं तो ये लोगों को बाद में तंग करते हैं, लोगों से पैसे की उग्राही करते हैं, दवाइयों के नाम पे उनसे वही पैसा लिया जाता है, वही टेस्ट के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये घोटालेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी बगैर कोई रिश्वत दिए लगेगा तो नेचुरली है कि वो अपनी तनख्वाह के अंदर वो काम करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह भी उनको वो पूरी नहीं मिल पाती है, जो बहुत बड़ी जांच का विषय है। उसके अंदर 15,000-16,000 रुपए की उनकी तनख्वाह होती है, खाते के अंदर उतने पैसे जाते हैं, लेकिन वापिस फिर से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। इसी माध्यम में वहां के जो कर्मचारी थे स्ट्राइक पर बैठ गए, लेकिन इनकी दबंगई देखिए, हॉस्पिटल परमिसेस के अंदर जो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, और मारपीट भी इतने जबरदस्त कि वहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर कई कई दिन तक भर्ती रहते हैं, लेकिन उन दबंगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता, होता भी है तो उसी समय पुलिस के अंदर वो बेल दे दी जाती है। मैंने इस माध्यम के अंदर DCP साहब को पत्र लिखे हैं, MS साहब को पत्र लिखे गए हैं, LG साहब को पत्र लिखे गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखे गए हैं, पत्र मैंने CS साहब के नाम भी लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे भी कोशिश की कि विधायक को मना लो, उन्होंने बहुत हर तरह से जब हथकंडे अपनाए, मैं भी उनके शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने आप को झोंक के इस काम के अंदर, इनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी उनसे सेटिंग करने की कोशिश, और वो सेटिंग हुई। मैं इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूं कि उस सेटिंग का मैंने पर्चा DCP साहब को भी लिखा, कहा कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है, और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल हैं जो सुरक्षित हैं। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं
इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए, ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से भी मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। मुझे पता है मेरे साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डीसीपी साहब को पत्र लिखा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे आगे पीछे इस प्रकार के दबंग घूम रहे हैं, मुझे धमकी देते हैं, लेकिन मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ऐसे सदन का साथी हूं जिसके अंदर महात्मा गांधी जी बैठे हैं, विठल भाई पटेल जी बैठे हैं और बड़े बड़े नेता बैठे हैं। यहां पर हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं, आज ये जनता के आवाज मैं आपके ये समक्ष उठा रहा हूं। इसको आप किसी भी कमेटी को रेफर करें या कोई भी आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। ये खाली ये नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर, मैंने उनका स्टिंग करवाने की कोशिश की थी, मैंने एक आदमी की भी ड्यूटी लगाई थी, मुझे पता है कहीं पर धोखा हुआ है, लेकिन जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनता के आवाज के लिए मुझे चाहे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और इस समय में जो ये काम चल रहा है, बहुत घटिया स्तरों के ऊपर ये काम चल रहा है, मैं इस मामले के अंदर ये भी चाहूंगा, मैं नेता विपक्ष के भी मुंह से एक बात सुनना चाहूंगा। मैं डीसीपी साहब पहले प्रणव तायल जी थे, अब दूसरे डीसीपी साहब चेंज होकर आ गए हैं। इस मामले के अंदर एक नहीं, महेंद्र जी आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी, ये सारा मैटर आप लिख करके लेटर पैड पे मुझे दीजिए, मैं इसको पेटिशन कमेटी को रेफर कर रहा हूँ। जो जो लेटर आपने एलजी को लिखे, जो भी लेटर आपने कमिश्नर को लिखा, विद ठेकेदार के नाम, किस डेट में वो ठेकेदार अपॉइंट हुआ, वो सारा मुझे लिख के भेज दीजिए। सर मैं कल भी एसीबी के अंदर गया, मैं बता रहा हूं आपको, महाजन साहब प्लीज, महाजन मैं राजनीति करने कर रहा हूं, मैं राजनीति करने कर रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, जनता की आवाज उठा रहा हूं, आप भी लोगों के हितों के लिए आवाज उठा रहा हूं। मैं बताता हूं, मैं कल एसीबी के अंदर भी गया हूं, एसीबी के अंदर मधुर वर्मा जी जो एसीबी चीफ है, मैं उनसे मिला हूं। कल उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही, उन्होंने सिर्फ एक असमर्थता जाहिर की, बोला ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं ज्वाइंट सीपी साहब के पास, मैं परसों इस सदन को खत्म होने के बाद ज्वाइंट सीपी साहब से मिला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं कि आप पकड़ लें, बोलो ये हमारा वो नहीं है, आप अपनी सरकार के आदमियों से देखें। मैं एक बात कहता हूं, एसीबी के अंदर हम जाते हैं वहां पे सुनवाई नहीं, मैं डीसीपी के पास जाता हूं वहां पर हमारी सुनवाई नहीं, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास में मैं जाता हूं वहां पे हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी तो आखिर कहां होगी? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता था, मेरी विधानसभा का रास्ता बचता था, इसलिए वो ये बंडल लेके मैं यहां पर गया। ये मेरे लिए नहीं, आपकी पूरी दिल्ली की जनता इस समय में त्रस्त है, हर आदमी वो त्रस्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के सुरक्षा कर्मी लग रहे हो, चाहे कहीं पर किसी भी प्रकार से एनओ लग रहे हो या सफाई कर्मचारी लग रहे हो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट का धंधा चल रहा है इस समय में बहुत शर्मनाक चल रहा है। कंक्लूड करिए महेंद्र जी, कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये की है कि आप ये न्याय दिलवा दोगे, करिए, कंक्लूड हो जाएगा
अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा, चुन के आते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। करिए कंक्लूड, करिए कंक्लूड तो आपको करवाना है। मैंने आपको आपको करवाना है। आप कैसे करवाओगे अध्यक्ष जी कंक्लूड? मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं बहुत साफ बात कहता हूँ, नेता विपक्ष बहुत अच्छे आदमी है, इस आवाज को मेरी आवाज बन के आप दे पा। महेंद्र जी, महेंद्र जी मैंने डायरेक्शन दी है, महेंद्र जी मैंने आपको डायरेक्शन दिया, बता दिया। भाई दो मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ उनके मैंने सुन लिया, बैठिए बैठिए। महेंद्र जी मैंने निर्णय कर लिया, इसको पेटिशन कमेटी को देता हूँ। आप उस पर ठेकेदार के नाम विद सबूत कहाँ कहाँ आपने लेटर दिए गए वो एक बार मुझे लिख के दे दीजिए। आज कल ही इस पर एक्शन शुरू हो जाएगा। अब बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। भाई साहब अभी सभी बोलेंगे, बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष जी मैं बहुत साफ बात कह रहा हूँ, इस खुलासे के बाद